हेलो फ्रेंड्स, कभी कभी आपने देखा होगा जब आप प्ले स्टोर में कुछ ऐप इंस्टॉल करने जाते हो तो वहाँ पर शो होता है दिस ऐप इज़ नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री। तो आपको वो ऐप चाहिए होता है लेकिन आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो कंट्री है इंडिया में वो अवेलेबल नहीं है। तो आप कैसे कंट्री को चेंज करके उस ऐप को यूज़ कर सकते हैं, इस ट्रिक को मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह का टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इस चैनल के ऊपर लेके आता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंट्री को चेंज करने के लिए सबसे पहले आप अपना प्ले स्टोर ओपन कीजिए। उसके बाद ऊपर राइट साइड में जो प्रोफाइल का आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ से जनरल के ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद अकाउंट प्रेफरेंस इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो कंट्री अभी दिखा रहा है वो ब्राज़ील दिखा रहा है। तो नीचे जो लिखा है इंडिया उसके ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं क्या होता है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करा, यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, दिखा रहा है कि 365 डेज, मतलब 1 साल से पहले मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, या तो फिर मेरे को कंट्री चेंज करना होगा। तो इसको मैं अभी कैसे फिक्स कर सकता हूँ? तो पहला जो मेथड है वो है आप फिर से प्रोफाइल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद जिस ईमेल आईडी से आप यहाँ पर लॉग इन हो उस ईमेल आईडी को चेंज कर दीजिए। तो मैं ये ईमेल आईडी चेंज करा, अभी फिर से सेटिंग के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं क्या दिखाता है। ये मैं सेटिंग के ऊपर क्लिक करा, जनरल के ऊपर क्लिक करा, उसके बाद अकाउंट प्रेफरेंस, यहाँ पर आप देख सकते हो स्विच टू इंडिया प्ले स्टोर लिखा हुआ है। तो ये था फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड के लिए एक वीपीएन की ज़रूरत है। अगर आपने वीपीएन को इंस्टॉल करके नहीं रखा है तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, वहाँ जाके वीपीएन सर्च कीजिए, आप कोई भी वीपीएन इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैं सुपर वीपीएन इंस्टॉल करके रखा है तो इसको ओपन कर लेते हैं। आप यहाँ से ऊपर जो कंट्री है वो सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन मैं इसको ऑटो रखता हूँ। उसके बाद कनेक्ट कर लेते हैं। ये कनेक्ट हो जाने के बाद आप फिर से प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ प्ले स्टोर जो आइकॉन है उसके ऊपर आप कुछ सेकेंड दबा के रखिए। उसके बाद ऐप इन्फो इसके ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ से जितना भी डेटा है वो सबको आप क्लियर कर दीजिए। फिर से आप प्ले स्टोर ओपन कीजिए, प्रोफाइल के आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ से सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए, जनरल के ऊपर क्लिक कीजिए, अकाउंट एंड प्रेफरेंस इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो कंट्री दिखा रहा है वो दिखा रहा है फ्रांस। तो मैं अभी फ्रांस में लॉग इन हूँ। तो जो भी ऐप मैं इंस्टॉल नहीं कर पा रहा था अभी मैं इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। अगर आपको फिर से इंडिया करना है तो आप पहले वीपीएन को डिसकनेक्ट कीजिए। तो मैं वीपीएन को डिसकनेक्ट कर लेता हूँ। डिसकनेक्ट करने के बाद आप फिर से गूगल जो ऐप है उसके आइकन के ऊपर प्रेस करके रखिए, ऐप इन्फो के ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद जितना भी डेटा है आप क्लियर कर दीजिए। अभी आप अपना जो प्ले स्टोर है ओपन करके देखिए, यहाँ पर आपको इंडिया शो होगा। तो इस तरह से आप कंट्री जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका अच्छा लगा होगा। अगर ये ट्रिक अच्छा लगा है तो आप वीडियो के ऊपर लाइक कीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह का टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इस चैनल के ऊपर लेके आता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।